हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर प्राची और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम शीन हॉल करने वाले हैं। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट शीन हॉल, नॉट शीन हॉल, दिस इज माय फर्स्ट शीन परचेज। मैंने इससे पहले कभी भी शीन से परचेजिंग नहीं की है, सो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो चलिए ठीक है, मैं शीन के अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता देती हूँ। 1800 प्लस समथिंग कुछ है, जिसमें कि अगर उसके ऊपर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको डिलीवरी फी नहीं देना पड़ता। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आपने सब बहुत सारे वीडियोज में सुनी होगी। मेरे एक्सपीरियंस एक तो ये है कि मैंने वहाँ से कपड़े कम परचेज किए हैं, क्योंकि मुझे ना पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे शीन के क्लोथ्स जो हैं वो थोड़े से महंगे लगे। मतलब उतना मुझे लगा कि उतना वर्थ नहीं है खरीदना, क्योंकि जो वहाँ के कपड़ों की प्राइसिंग है वो लगभग H&M के थ्रू आ जाती है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से खरीदूँगी तो इससे अच्छा तो मैं H&M से खरीद लेती हूँ। तो वो मेरा एक ओपिनियन है। स्टिल मैंने कुछ कपड़े मंगाए हैं, कुछ विंटर वेयर्स भी हैं, कुछ समर्स वेयर्स भी हैं। तो मैंने बोला नहीं, एक बार मतलब इतना यार सब शीन शीन करते रहते तो एक ट्राई करना तो ऑब्वियसली बनता है। तो आई थिंक हमें ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी हॉल स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले मैं ये वीडियो दो पार्ट्स में बनाऊँगी। फर्स्ट विथ माई क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स कम है और एसेसरीज इज लाइक शू और बैग्स और इयर रिंग्स और नेकलेसेस। मैंने इतने सारे मंगा लिया कि लेट मी शो यू, सी दिस। ये पूरा बॉक्स सिर्फ और सिर्फ एसेसरीज का है। तो आई फील कि अगर ये दोनों मैं एक ही वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट एसेसरीज के साथ में बनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको दूसरी वीडियोस के हॉल्स का भी पता चल सके। और बिलीव में बहुत सारी हॉल्स आने वाली है। तो चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट परचेजिंग इज दिस फर कोट। सो आई थिंक मैंने खुद ही इतने सारे वीडियोस में देखा है ना कि वहाँ के जो टैडी कोट्स होते हैं, इन्हें टैडी कोट्स बोलते हैं, और वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। और बिलीव मी यार, मतलब आई वाज शॉक्ड, सीरियसली अच्छा। थोड़ा कॉस्टली है बट यार ये ऐसा मटेरियल मैंने कहीं पे देखा नहीं है, और देखा है तो डेफिनेटली H&M में, ज़ारा में 5000 से कम का नहीं है। सो आई थिंक ये मुझे 1600 समथिंग का मिला था। मैं सारे प्राइसिंग यहाँ पे कहीं पे वो मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी कि वो भी क्या प्राइस है। सो नेक्स्ट इज दिस जैकेट। ये क्रॉप जैकेट है और बिलीव मी ये मुझे इतनी पसंद आई है ना, का मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है। और तो ये जो पिंक वाला था उसके जितना सॉफ्ट नहीं है, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड। मतलब ये जैसा है वॉर्म है, लाइक रियली वॉर्म जैसे बोल सकते हैं। इसके अंदर का मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ, इफ यू कैन सी। इट्स लाइक कि कुछ तो फॉर्म अंदर कुछ तो बना हुआ है, बट इट्स ओके। मतलब इट्स रियली वॉर्म और बॉडी हगिंग, और पहनने के बाद भी वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो कलर है, मतलब बिलीव मी जैसा पिक्चर में था वैसा ही आया है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिग बिग थम्स अप फॉर दिस, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट इज दिस अगेन क्रॉप जैकेट। मेरे पास आई डोंट नो, मतलब लास्ट समर्स में पूरा ये एनिमल प्रिंट बहुत चला था, स्नेक प्रिंट बहुत चला था, और मतलब मैंने कुछ भी नहीं खरीदा इस प्रिंट में। आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था या, बट मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक क्रॉप जैकेट तो लेनी बनती है। और दूसरी बात ये कि आप सर्दियों में ना आपको कुछ नहीं पता चलता आप कब जा रहे हो तो आप क्या पहनो। मतलब मैं तो ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, यार क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि उस चीज़ के लिए ये जैकेट बहुत ही सही है, क्योंकि आप तो एक सिंपल कुछ भी नीचे इनर या समथिंग कुछ भी स्वेटर पहनो, नीचे जीन्स पहनो और उसके ऊपर ये डाल लो, सो वो एक एम्प आ जाता है। तो इस वजह से मैंने ये जैकेट खरीदी थी। वेल मैं इसको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, अगेन इसके जितना सॉफ्ट नहीं है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इस वाली जैकेट से प्रॉब्लम है इसके इनर से। इसका इनर आप ये देख सकते हैं, ये ना वो
जो पन्नी वाला होता है ना, आप इसकी साउंड भी कर सकते हैं, पन्नी वाले मटेरियल ना मुझे इनर में बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे नहीं अच्छे लगते, आई डोंट नो, मतलब इट्स माय ओपिनियन. ओके सो नेक्स्ट वन इज दिस पैंट. मैं उन बंदियों में से हूँ जिसे ट्राउजर पहनना बहुत पसंद है, मतलब ट्राउजर्स, मतलब अलग अलग कलर में, अलग अलग प्रिंट्स में मुझे ट्राउजर्स बहुत पसंद है. मैं बहुत दिनों से एक चेक्ड ट्राउजर लेने का सोच रही थी, और जब मैंने इसे शेन पे देखा तो आई वॉज लाइक आई हैव टू बाई दिस, मतलब. और इसका ऊपर से फिर ये फ्रिल वाला भी, और काफ़ी हाई वेस्ट है नो डाउट, बट जो कपड़ा मैंने सोचा था, आई डोंट नो, मतलब काश आप इसका कपड़ा फील कर पाते. ये वहाँ पे विंटर के हिसाब का लग रहा था, मोटा कपड़ा लग रहा था, जो कि नहीं है. इट्स वेरी थिन, वेरी थिन, ठीक है, इट्स वेरी थिन, बट आई थिंक समर्स पे पहनने के लिए इट्स परफेक्ट, नॉट परफेक्ट एक्चुअली, बट इट्स फाइन, मतलब समर्स में इसको पहन सकती हूँ, और आई कैन स्टाइल इट इन एनी वे. सो अगेन कपड़े की वजह से अगेन डाइसी, आई डोंट नो, मतलब ये बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ऐसे बेकार भी नहीं है, तो समर्स में मैं पहन, अगेन ठीक है यार, प्रिंट अच्छा है, चेक कर रहे हैं तो सही है. सो नेक्स्ट परचेजिंग इज दिस जीन्स. मुझे एक ब्लैक जीन्स चाहिए थी, और मैं मतलब बहुत टाइम से ब्लैक जीन्स लेने का सोच रही थी, और इट्स लाइक 1300 समथिंग का था, और उस प्राइस के हिसाब से ये जीन्स बहुत सही है. इसके मैं आपको गुण बताती हूँ. एक तो ये बहुत हाई वेस्ट है, मतलब जितना मैंने सोचा था, जितना हाई वेस्ट मुझे चाहिए था, क्योंकि हाई वेस्ट आपका थोड़ा सा ये जो बैली फिट है उसको घटा देता है, तो ब्लैक जीन्स मेरे पास और थी, लेकिन वो लो वेस्ट थी, इस वजह से मैं पहन नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ये मंगाई थी. दिस रियली हाई वेस्ट, यू कैन सी इट, बहुत सही है. सेकेंड थिंग, इसका जो एम्प आता है, इसका जो एक कट है, कट डिटेलिंग डिस्ट्रेस जीन्स इनको बोलते हैं, ये मुझे बहुत सही लग रहा है. इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे हिसाब से थोड़ी लंबी है, बट आई डोंट माइंड इट, मतलब या तो मैं इसको फोल्ड करके पहन सकती हूँ, या फिर मैं इसको कट करा सकती हूँ, तो उतना नहीं है, बट 1300 के हिसाब से आई रियली लाइक दिस जीन्स. ओके सो नेक्स्ट इज दिस साइकिलिंग शॉर्ट्स से, बट ये साइकिलिंग शॉर्ट्स से थोड़ा सा नीचे हैं. एक्चुअली मेरे पास कोई साइकिलिंग शॉर्ट था नहीं, और ये थोड़ा मुझे सस्ता मिल रहा था. अगेन पिक्चर्स में काफ़ी मोटा इसका कपड़ा लग रहा था, बट कैन सी नहीं, ये कपड़ा मोटा नहीं है, बट आई थिंक पहनने के बाद ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, तो दैट्स वाई आई कैन वियर इट, अदरवाइज के बाद ये ट्रांसपेरेंट होता तो मैं डेफिनेटली नहीं पहन पाती, बट पहनने के बाद ओके लग रहा था, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, इसको वापस नहीं करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये है ना, ये काफ़ी हाई वेस्ट है, और पहनने के बाद काफ़ी अच्छा फिगर आता है, तो देन आई विल गिव लाइक 6 out of 10, या मटेरियल उसका 6 के लायक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट स्टाइलिंग के हिसाब से ठीक है. सो आई रियली लाइक हुडीज, मतलब मुझे हुडीज स्पेशली जो क्रॉप्स है ना, वो हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहनना बहुत अच्छा लगता है. विंटर्स में ना मेरा बहुत ही गोटो लुक हो जाता है, एक हाई वेस्ट डालो, एक हुडी डालो, और उसके ऊपर से कोई भी जैकेट या कोट डालो तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. सो ये मैंने मंगाया क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इट्स रियली नाइस. एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, ये बहुत वॉर्म नहीं है, मुझे लगा था कि वॉर्म आएगा जैसे कि दूसरी चीज़ें आई हैं, बट ये बिल्कुल भी वॉर्म नहीं है. कैन सी अंदर से, ये कॉटन टाइप नहीं है, मतलब बहुत गर्मियों में भी नहीं पहन सकते, बट बहुत विंटर्स में भी नहीं, बट ये मुझे बहुत महंगा नहीं भी लगा, लाइक 500-600 उतने प्राइस में मिला, तो ये मुझे उस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा. और यू कैन सी, मतलब इसकी फिटिंग मेरे ऊपर बहुत अच्छी आ रही है, और इसका पहन के मुझे
जो स्टाइलिंग लगा बहुत 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 सही था। तो आई थिंक आई डोंट माइंड अगर मतलब ये ठीक है, मतलब विंटर में नहीं तो मैं मिड एज मतलब मार्च अप्रैल मई तक मैं इसको बहुत इजीली स्टाइल कर सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा। ओके सो नेक्स्ट आइटम इज दिस स्वेटर, इट्स हाई नेक स्वेटर। और सबसे पहली बात, ये बिल्कुल वॉर्म नहीं है, मतलब बिल्कुल का तो पता नहीं, पर इसका बहुत ज़्यादा पतला मटेरियल है जो कि आप आई थिंक देख सकते हैं, इट्स वेरी थिन। तो ओके, और सेकेंड चीज जो इस स्वेटर के साथ में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे पिक लगाती हूँ स्क्रीनशॉट लेके जो इस साइड पे था, और आप उसका कलर और इसका कलर देख सकते हो, लाइक ये वहाँ पे एकदम डार्क नियोनी सा ऑरेंज लग रहा था, जो कि मुझे लगा कि नहीं मुझे मंगाना चाहिए, बहुत प्यारा कलर लग रहा था, और जब ये आया तो ये ऐसा निकला। ऑल दो अगर मार्च के जो मंथ्स हैं उसके फेब या मार्च के मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इट्स नाइस, आप इसको ठीक से मतलब अच्छे से स्टाइल कर सकते हो और किसी भी ब्लैक जैकेट के साथ में अच्छा लगेगा। बट यार मतलब मुझे इसका कलर बहुत डल लगा, क्योंकि या तो शायद मैंने वो कलर उसमें नहीं देखा होता तो मुझे उतना नहीं लगता, बट यार दिस इज़ नॉट फेयर कि आप ऐसा ब्राइट कलर दिखा के आप इतना लाइट कलर भेज रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके सो नेक्स्ट आइटम इज दीज हॉट पैंट्स, या ये शॉर्ट्स हैं और आई रियली लाइक इट। इनका जो वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के मेरे पास और भी एक और पेयर थे, बट मैंने इसे इसकी वजह से मंगाया। इसकी जो एक तो ये डिस्ट्रेस है पूरे यहाँ से, और इसके नीचे से इसकी जो ये पॉकेट आई हुई है ये इन्होंने नियॉन कलर में दिया हुआ है, तो ये एकदम से इतना पॉप आउट होके आ रहा है ना, और ये नॉर्मल शॉर्ट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इट्स रियली हॉट और यू कैन से सेक्सी, इट्स रियली हाई वेस्टेड शॉर्ट्स तो। और ये मुझे पहनने के बाद इसका फिटिंग भी बहुत सही आया, इसका साइज़ एकदम एप था, मेरे साइज़ का था, और यार ओवरऑल आई रियली लाइक इट और मुझे बहुत सही लगा ये। सो माय नेक्स्ट परचेज इज दिस, सी मतलब इट्स काइंड ऑफ टॉप जो यहाँ पे ऐसे आगे आके ये यहाँ पे टाई हो जाता है, मैं आप लोगों के लिए टाई कर देती हूँ उसको लाइक दिस। ओके सो काइंड ऑफ लाइक दिस, ये पहली बात तो मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं आई है, एकदम बकवास आई है, और जैसा मैं पिक्चर यहाँ पर लगा देती हूँ उसमें कैसे दिखाया हुआ था वैसे नहीं है, ड्रेस के नीचे से बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की अब फिट तो है, मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है कि कभी भी मतलब खुल जाएगा या फिर कभी भी ऐसे नीचे से ऊपर खिसक जाएगा, तो बाबा मैं तो, और बिना अगर इसके साथ में आप ब्रा तो पहन ही नहीं सकते, तो दिस इज तो लाइक कंप्लीट फेल फॉर मी। मुझे लगा था कि उसका टॉप आएगा जो मैं जैकेट के साथ में पहन कर पाऊंगी, बट नहीं, ये बहुत रिस्की है बाबा, इसे बिल्कुल मत लेना। नेक्स्ट कुछ ऐसा ही सिमिलर मैंने ब्लैक कलर में लिया, बट दिस इज नाइस, क्यों उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहले इसके पीछे चैन दिया हुआ है, लाइक इस तरह से इसे टाई करने का टेंशन नहीं है कि टाई खुल जाएगा या वो क्या है, इसे इस तरह से आप चैन लगा सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत सही अच्छे मटेरियल की चैन दी हुई है, फिर लाइक दिस। और ये बहुत इसके नीचे से भी ये जो चौड़ी पट्टी दी हुई है, तो इसे आपके नीचे ड्रेस के नीचे से खिसकने का कोई टेंशन नहीं होता है, और ये पहनने के बाद बहुत सही लगता है। और तो मैंने जो है वो मैंने इस शेयर टॉप के साथ में मंगाया था, यू कैन सी इट्स वेरी शेयर, तो इसे इसके नीचे पहनने के लिए मंगाया था, और या डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सही जाते हैं, इसे मैं बिना इसके भी पहन सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा कुछ महंगे भी नहीं थे, प्राइस में लगा दूंगी वही 200-400-500 की रेंज में, और या दोनों ही बहुत सही है, सो 10/10। ओके सो माय फाइनल कंक्लूजन फॉर शीन इज ओवरऑल आई लाइक दिस साइट
क्लोथिंग के लिए मैं अभी बता रही हूँ, एक्सेसरीज पे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो आई रियली लाइक इट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी महंगी है, थोड़ा सा ओवर प्राइस है, जो शायद पहले नहीं था अगर मैं पहले चेक करती थी तो। बट अब मैंने देखा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो कि मतलब अगर मैं 2-2.5 हज़ार की अगर मुझे पैंट लेनी है तो डेफिनेटली, या जीन्स लेनी है तो डेफिनेटली मैं H&M पे जाऊंगी। टॉप्स भी थोड़े से कॉस्टली हैं, वही 1000-1200-1400 के जो मुझे पसंद आते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब हो सकता है कि मैं गरीब हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, वॉट एवर, आई एम जस्ट किडिंग। सो मेरे लिए मतलब पर्सनली आई फील इट्स ओवर प्राइस्ड, बट इनके एक्सेसरीज की प्राइसिंग बहुत सही है। या ओके देन, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और यू नो द ड्रिल, आपको क्या करना है, इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट थम्स अप एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आगे के जो वीडियोस हैं वो भी देखने वाला। प्लीज़ 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 कर दो यार, सीरियसली ज़रूरत है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको मतलब ऑब्वियसली मैं भी न्यू हूँ, तो अगर आपको मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे लिखना मत भूलिएगा, या मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा क्या लगेगा। आप प्लीज़ अगर मेरे बोलने में, या फिर आपको चाहिए कि आप ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही करो, या फिर ऐसे ऐसे कुछ करो, या मेरे बैकग्राउंड में कुछ इशू आपको लगता है, तो प्लीज़ 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 उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी रिव्यूज़ और आप का कोई भी सजेशन मुझे बहुत सही लगेगा, प्लीज़ दीजिए। ओके देन, सी यू लेटर।